होगी। आप देखिए पांचों बूम हमारा सेलेक्ट हो गया है यहाँ पे, और इसको अगर दबाएंगे तो जो आउट रिगर का नीचे का जैक है वो हमारा निकलेगा। तो यही है, यहाँ से हमारा स्विंग होगा। देखिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव व्लॉग में आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। आई होप कि आप सब जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां भी रहें सेहतमंद रहें। तो चलिए आज आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। आप मेरे पीछे देखिए बिल्कुल क्रेन देख रहे होंगे, ये सनी का क्रेन है और ये 100 टन का क्रेन है जो कि आप बिल्कुल सामने देख रहे होंगे ये, और ये 2015 मॉडल का है। और मैं इसके बारे में फुल डिटेल आप लोग को देने वाला हूँ कि किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है, किस तरह से इसका काउंटरबेट लगाया जाता है, और किस तरह से इसका बूम निकालने का फंक्शन है, इसका काउंटरबेट लगाने का फंक्शन और इसका ऑपरेटिंग का, इसका ड्राइविंग का आप लोगों को फुल वीडियो मिलने वाला है। आप लोग Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा वीडियो एक ही वीडियो में डालने वाला हूँ, ऑपरेटिंग से लेकर ड्राइविंग तक का पूरा सिस्टम। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और ऑल पे जाके बेल आइकन पे जाके बेल दबा दें ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आप लोगों को आज मिलाते हैं जो इस क्रेन को ऑपरेट करते हैं। हाउ आर यू? फाइन। देखिए तो ये हमारे संतोष भाई हैं, और यही हैं जो कि, और एक है उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा, और इस क्रेन को यही लोग ऑपरेट करते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम संतोष कुमार है, बस ये क्रेन को मैं ऑपरेट करता हूँ। देव व्लॉग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ भाई लोग आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबा के लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ये हमारे दूसरे भाई आ गए, मिस्टर रमेश कुमार यादव। ये हुए रमेश, जो कि देख लीजिए यही दोनों हैं जो ये क्रेन ऑपरेट करते हैं, और इन्हीं लोग के जरिए आज आप लोगों को जो मेन वीडियो है ना, मैं इन्हीं दोनों के जरिए से आप लोग दे पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं बन पाती ये वीडियो 100 टन की। और बहुत आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इतना सोचे कि इस क्रेन को, इस क्रेन का वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोगों के वजह से बहुत ऐसे लोग हैं जो कि सीख पाएंगे और जान पाएंगे। ये जानकारी बहुत जरूरी था, मैं भी सोच रहा था कि सनी का 100 टन का एक भी वीडियो नहीं डाला हूँ तो मैं डालूँ। तो चलिए आप लोग के वजह से ये काम हो गया, मेरे लिए बहुत बहुत ही अच्छा हुआ और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा हुआ। तो आप लोग बिल्कुल मेरे वीडियो में बने रहें लास्ट तक ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि चालू करने के लिए इसका जो मेन स्विच है वो मेन स्विच कहाँ पे होता है। तो आप देख रहे हैं ये ड्राइविंग सीट है, और ड्राइविंग सीट का जस्ट देखिए यहाँ पे जो अगला टायर है, अगला टायर के पास में आप देखिए यहाँ पे जो ये लाल सा दिख रहा है, ये हमारा मेन स्विच है। तो इस मेन स्विच को देखिए आप इस तरह से घुमाएंगे ना, देखिए इस तरह से आप बिल्कुल ऐसे कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमारा ऑन हो गया, और इसी को अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये कट हो गया, समझे? तो ये मेरा ऑफ हो गया पूरा। तो हमको आगे क्रेन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको इसको ऑन करना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम ऑन करेंगे उसके बाद फिर हम जाएंगे आगे, यानी कि ड्राइविंग सीट पे, जहाँ पे हमारा ड्राइविंग सीट है हम यहाँ पे जाएंगे। कुछ इस तरह से इस क्रेन का लुक है, और इस तरह से देखने में पूरा लगता है ये। और देखिए इसका केबिन भी इतना बड़ा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और ये हमारा देखिए जो कि गियर है, आप देख रहे होंगे ये ऑटोमेटिक गियर है यहाँ पे। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि इसका क्या फंक्शन है और किस तरह से यहाँ से ड्राइव होता है और स्टार्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा देखिए चाबी दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल, देखिए ये सामने ये हमारा चाबी है। देखिए इसको इस तरह से हम एक बार ऑन करेंगे, फर्स्ट कट में हमारा चालू नहीं होगा, उसके बाद फिर सेकंड बार ऑन करेंगे तो सेकंड कट में भी हमारा चालू नहीं होगा। सेकंड कट पे हमारा क्या होगा कि देखिए जितना भी लाइट है हमारा, इस तरह से लाइट हमारा पूरा जल जाएगा, यानी कि इंडिकेट करेगा कि क्या है, स्क्रीन में कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑयल है या नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिजिटल मीटर भी है, और देखिए यहाँ पे F1 है, F2 दबाएंगे जिस तरह से, तो यहाँ पे सारा शो करेगा कितना किलोमीटर है, किस तरह का कितना चला है, सारा चीज़ शो करेगा। तो उसके बाद से जब दो कट आप करेंगे तो ये शो करेगा, उसके बाद तीसरा कट में हमारा क्रेन देखिए यहाँ से इस तरह से करेंगे तो ये हमारा क्रेन देखिए ये चालू हो जाएगा। तो अब हमारा क्रेन चालू हो गया।
तो देख पा रहे हैं अब हमारा जो क्रेन है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो उसके बाद से हमें करना क्या है, उसके बाद से देखिए ये हमारा बिल्कुल सामने जो दिख रहा है ये हैंड ब्रेक है। तो हम इस हैंड ब्रेक को रिलीज करेंगे सबसे पहले। तो अब हमारा जो क्रेन चालू हो गया है, चालू होने के बाद देखिए आप यहाँ पे देख सकते होंगे ये हैंड ब्रेक है और इसको हमको रिलीज करना होगा। रिलीज करने के लिए इसको देखिए इस तरह से पुश करके और इसको ऊपर की ओर छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से अगर छोड़ देंगे तो ये हमारा क्रेन रिलीज हो जाएगा। उसके बाद से हमको आगे बढ़ाने के लिए देखिए यहाँ पे मेरा जो गियर दिया हुआ है आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे एक में डी लिखा है, एन लिखा है और आर लिखा है। तो हमको आगे करने के लिए देखिए इसको जो इस तरह से हमको डी पे करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से डी करके ये देखिए ये हमारा ब्रेक है और इसके बगल में जो देख रहे हैं ना, इसके बगल में ये हमारा एस्केलेटर है। तो अगर इसको हम इस तरह से दबाएंगे ना, देखिए इस तरह से धीरे से अगर हम दबाएंगे तो हमारा क्रेन देखिए आगे बढ़ेगा। आपको दिखाते हैं कि क्रेन किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो देखिए इस तरह से हम ब्रेक मारेंगे, देखिए इस तरह से ब्रेक मारेंगे तो ये हमारा देखिए गाड़ी रुक जाएगा। देखिए इस तरह से गाड़ी रुक जाएगा। तो चलिए आपको फिर बैक गियर के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा बताते हैं। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ये देखिए इसको पहले इसे न्यूट्रल में ला के एक सेकंड तक रुकना है। उसके बाद से हमको इस तरह से रिवर्स लगाना है। रिवर्स लगाएंगे और रिवर्स लगाने के बाद फिर से देखिए यहाँ पे हम एस्केलेटर इस एस्केलेटर को हमको धीरे से दबाना होगा इस तरह से, तो हमारा गाड़ी जो है देखिए पीछे की ओर जाने लगेगा। तो अब हमारा अगर न्यूट्रल आपको करना है तो इस तरह से आप ब्रेक दबा सकते हैं। इसमें हमारा क्लच नहीं है, एक चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ ये ब्रेक है और ये हमारा ब्रेक है और ये हमारा एस्केलेटर है, बस इसमें क्लच नहीं है। तो इसमें दो ही चीज़ है, सिर्फ ब्रेक और एस्केलेटर। और ये जो आप गोल सा देख रहे हैं ये जो हमारा गोल सा है इसको देखिए इस तरह से धीरे से करेंगे ना, जब मैनुअल है ये हमारा, ऐसे धीरे से करेंगे तो एक नंबर, फिर इस तरह धीरे करेंगे दो नंबर, फिर इस तरह धीरे करेंगे तीन नंबर। तो इस तरह से आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं इसमें, और पीछे इस तरह से करेंगे तो हमारा बैक लग जाएगा। देखिए इस तरह से करेंगे तो घटता जाएगा और बढ़ता जाएगा, इसे पीछे कम कर सकते हैं और आगे इस तरह करके आप बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे इसे आपके बढ़ाने का है और इस तरह से पीछे गियर कम करने का, इस तरह से कम करने का है। लेकिन जब ये काम नहीं करेगा ना, जब ये काम नहीं करेगा ऑटोमेटिक तब, लेकिन इसको जब हम इस तरह से डी में लगा के रख देंगे, देखिए इस तरह से डी में लगा के रख देंगे तो आपको कोई चीज़ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एस्केलेटर आप दबाए रखें इस तरह से और आपका गाड़ी ऑटोमेटिक जो भी है आपका यानी कि चलता जाएगा और वो ऑटोमेटिक गियर लेता जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक स्विच दिया हुआ है जो कि सामने है, देखिए ये स्विच है, ये स्विच जो है ना ये कछुआ का स्विच है। अगर इसको हम इस तरह से ऊपर कर देंगे ना, देखिए इस तरह से अगर ऊपर कर देंगे तो ये बिल्कुल स्लो हो जाएगा। तो जहाँ पे चढ़ाई होता है या जहाँ पे थोड़ा सा रास्ता ख़राब होता है तो वहाँ पे तेज ना जाए, जिसके चलते स्लो चढ़ाने के लिए इसको हमको ऊपर की ओर करके रखना पड़ेगा, तब ये बिल्कुल स्लो जाएगा और गाड़ी ज़्यादा यानी कि हिलेगा नहीं और आसानी से उठ जाएगा। और जब इसको हम इस तरह से नीचे कर देंगे तो रोड पर जब जाएंगे तो तेज़ चलने के लिए हमको इसको नीचे करना पड़ेगा, उसके बाद से आप रोड पर जा सकते हैं। और इसका बगल वाला देखिए ये हमारा फोर व्हील का है, जो कि आप टायर के अनुसार ये इस तरह से ऊपर करके इसको लगा देंगे तो ये फोर व्हील लगेगा। तो फोर व्हील होता क्या है, कहीं भी अगर आप धूल वगैरह में या तो कहीं रंबल वगैरह में जहां आपका टायर वगैरह पूरा फंस रहा है, इधर उधर टायर भाग रहा है, तो इसको लगा दिया जाता है ताकि वो बिल्कुल सेफ रखता है, इधर उधर ज़्यादा जाने नहीं देता है। और ये मेरा हजार्ड है जो कि देखिए बिल्कुल, और इस तरह से आप इसको छुड़ा सकते हैं। और ये मेरा हजार्ड है जो कि नीचे है, देखिए इसको दबा देंगे तो पूरा जितना इंडिकेटर है हमारा सारा टोटल इंडिकेटर जलने लगेगा। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर है हमारा, ये सामने देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पीटीओ है ये हमारा। तो चलिए देखिए सबसे पहले इसको हमको न्यूट्रल में करना होगा, देखिए इस तरह न्यूट्रल में करके और इसको हैंड ब्रेक लगाना होगा। सबसे पहले हम इस तरह से हैंड ब्रेक लगा देंगे, देखिए इस तरह से हैंड ब्रेक हमारा लग जाएगा। फिर से आपको दिखाते हैं, देखिए इसको हमको पहले न्यूट्रल में करना होगा, ऐसा एन में रखना होगा न्यूट्रल में। उसके बाद से ये हमारा जो हैंड ब्रेक है ना, ये हैंड ब्रेक इसी तरह से नीचे लगाना होगा, ऊपर रिलीज होता है लेकिन देखिए रिलीज हो गया यानी कि नहीं लगा हुआ है। अब इस तरह से करेंगे तो ये हमारा हैंड ब्रेक लग गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे बिल्कुल सामने देखिए ये पीटीओ स्विच दिया हुआ है, इसको हम इस तरह से दबा देंगे ना, देखिए इस तरह से दबा देंगे। उसके बाद जो हमारा है पीटीओ लग चुका है, तो पीटीओ लग चुका है तो अब हम नीचे जाके आउट ट्रिगर निकाल सकते हैं।
तो हम चलिए नीचे चलते हैं और आपको आउट रिगर निकाल के दिखाते हैं कि किस तरह से इसका आउट रिगर निकलता है सर। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका आउट रिगर निकालने का कहाँ पे है और किस तरह से आउट रिगर निकाला जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे आउट रिगर निकालने का हमारा दिया हुआ है, ये आप देख सकते होंगे, ये रहा, ये इस तरह से अंदर चला जाएगा, देखिए ये है, इसको इस तरह से उठाइए और इस तरह से ढकेलिए, ये अंदर चला जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे इंजन पूरा बंद हो जाएगा, यहाँ से इंजन हमारा पूरा इंजन बंद हो जाएगा। और देखिए सबसे पहले हमको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये फिंगर वाला है, फिंगर को हमको दबा के रखना पड़ेगा। तो चलो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दिए कि सबसे पहले हमको इसको दबा के इस तरह से प्रेस करके रखना पड़ेगा। जब प्रेस कर देंगे उसके बाद से ये देखिए ये जो बीच में है ना, इस तरह का देखिए लाइट जल रहा है ना, ये हमारा लेवल है। तो ये जब लेवल आएगा ना तो बिल्कुल बीच में इस तरह का पूरा लाइट जल जाएगा हमारा पूरा, ये बिल्कुल यहाँ आके खत्म हो जाएगा, ये जो है यहाँ आके खत्म हो जाएगा। तो समझिए कि पूरा लेवल में है। तो हमारा जो आगे का जो है देखिए आउट रिगर जो निकालने के लिए हमको इसको इस तरह से दबाना पड़ेगा। अगर इस तरह से प्रेस करके रखेंगे ना तो हमारा जो आगे का लेफ्ट साइड का आउट रिगर है ना वो हमारा बाहर निकलने लगेगा। तो देखिए ये निकलने के बाद में फिर अगर हम इससे करेंगे ना, देखिए इसको इस तरह से दबाएंगे तो ये फिर से रिवर्स हो जाएगा, यानी कि वापस ये हमारा बंद होने लगेगा, ये बंद होने लगेगा, इसको दबा के रखेंगे तो बंद होने लगेगा, समझे। और ये जो हमारा है ये बटन है, ये देखिए नीचे के लिए है, ये जो आउट ट्रिगर का हमारा नीचे वाला है ना वो हमारा देखिए नीचे का जक निकलेगा, ये आउट ट्रिगर का नीचे का जक लेफ्ट साइड का निकलेगा। और फिर से जब इसको आप निकालेंगे तो उसके बाद से फिर हमारा ये जो है अगर इसको करेंगे तो ये आउट ट्रिगर हमारा बंद होने लगेगा। तो देखिए इस तरह से हमारा आउट ट्रिगर बंद हो रहा है, जस्ट यहाँ पे देखिए इस तरह का दिख रहा है लुक, ये हो गया सिर्फ आगे का लेफ्ट साइड का। और लेफ्ट साइड का देखिए ये बिल्कुल पीछे का है, जस्ट ये पीछे का ही लेफ्ट साइड का है। तो देखिए यहाँ पे सेम इसी तरह का है, जो इस तरह का आप आगे निकाले लेफ्ट साइड का, उसी तरह का लेफ्ट साइड का जो पीछे वाला जक होता है उसके लिए ये है। देखिए तो इसको हम अगर इस तरह से और इसको अगर हम दबा के रखेंगे तो ये बिल्कुल बाहर जाने लगेगा, बाहर की ओर जाने लगेगा। देखिए ये खुल रहा है, यानी कि हमारा आउट रिगर खुल रहा है। और जब इसको खोल लेंगे पूरा, अगर बंद करना है आपको तो इससे बंद होगा। और ये जो हमारा है नीचे का है, ये जो नीचे का है बिल्कुल ये आउट रिगर का नीचे का जो जक है वो हमारा लगेगा, इसको इस तरह से दबा के रखेंगे तो। और जब लगाना नहीं चाहते फिर उठाना चाहते तो फिर हम अगर इसको इस तरह से उठा के रखेंगे तो ये पूरा हमारा आउट रिगर जो है ये बिल्कुल बंद होने लगेगा। तो आप चीज़ एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आउट रिगर अगर आपको बंद करना हो तो सबसे पहले नीचे वाला जक को आपको अंदर करना पड़ेगा, इससे बिल्कुल नीचे वाला जक ये अंदर कर लीजिए चारों, इस तरह से चारों बिल्कुल अंदर कर लीजिए नीचे का जक। और वो साइड का ये दोनों है, यहाँ से देखिए ये दोनों वो साइड का है, यानी कि यहाँ का और यहाँ का एक साइड से आप दोनों का नीचे भी और ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन निकाल नहीं सकते हैं। निकालने के लिए आपको सिर्फ ये बटन यूज करना पड़ेगा, लेकिन जो जक है नीचे जो लगता है उस जक को आपको उठाने के लिए यहाँ से आप निकाल एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी यहाँ से ओपन भी कर खोल भी सकते हैं और यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, यानी कि डाउन भी कर सकते हैं और अप भी कर सकते हैं। ये दोनों है, ये दोनों देखिए मार्का नीचे की ओर दिया हुआ है, भी नीचे की ओर दिया हुआ है। तो ये वाला और ये वाला अगर करेंगे ना तो ये दोनों हमारा लगेगा, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का। और ये जो है और ये अगर आप दबाएंगे इस तरह से दोनों, तो ये दोनों हमारा ऊपर जाएगा जक, यानी कि एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का जो कि पीछे का है। सेम इसी तरह से ये आगे का है, ये देखिए इसको और इसको अगर दबाएंगे तो जो आउट रिगर का नीचे का जक है वो हमारा निकलेगा, और अगर इसको और इसको दबाएंगे तो ये जो हमारा आउट रिगर है वो बंद होगा। तो ये एक साइड का हो गया, जो कि आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल, देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड का है जो कि ड्राइविंग साइड का है, यहाँ पे ड्राइविंग लेफ्ट साइड होती है तो लेफ्ट साइड का है। तो इस बार में देखिए यहाँ पे जो चार चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक बार में ये चार चिन्ह दिया हुआ है, एक साथ में आप चारों नीचे डाउन कर सकते हैं, इसको दबा के रखेंगे तो चारों जक आपका डाउन हो जाएगा एक साथ में, और यहाँ से आप चारों जक उठा सकते हैं एक साथ में। तो अगर आपको सिंगल सिंगल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, पीछे का यहाँ से कर सकते हैं, और आपको एक साथ करना है तो आप यहाँ से डाउन कर सकते हैं और यहाँ से कर। और ये हमारा बंद का है, यहाँ से आप डायरेक्ट पूरा कटिंग कर सकते हैं। और ये हमारा रेस का है, इसको अगर आप दबाएंगे तो रेस हो जाएगा। और ये हमारा लाइट का है जो कि आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल जग के पास में लाइट है, इसको इस तरह दबाएंगे तो जग के पास में लाइट है, अंधेरा में चलाने के लिए आप इसको चला सकते हैं। ये मैनुअल अगर काउंटरबेट आपको लगाना है तो यहाँ से देखिए काउंटरबेट इसको दबा के रखिएगा तो डाउन होगा और ये काउंटरबेट यहाँ से उठेगा, यानी कि दोनों का काम आता है। जब काउंटरबेट आप लगा दीजिएगा फिर भी आपको उठाना होगा, और काउंटरबेट जब नहीं लगाइएगा तो जब रखने के बाद फिर भी आपको उठाना ही होगा, क्योंकि सेंसर जो होता है वो जो जग होता है उसको आपको ऊपर उठा
के रखना पड़ेगा, तो ये दोनों समय काम आता है ये। और ये देखिए हाफ जक के लिए है, ये आधा आधा जक लगाना हो तो उसके लिए हाफ जक आप लगा सकते हैं यहाँ पे। माइनस प्लस ये हमारा स्विंग का ये है, तो कितना कितना स्विंग करना है तो आप यहाँ से स्विंग कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके माइनस प्लस कर सकते हैं, देख के आप काउंटर बेट लगा सकते हैं। तो ये हमारा स्विंग का है, जब काउंटर बेट लगाएंगे ना यहाँ से तो ये स्विंग के लिए दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे माइनस है, घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से आप स्विंग हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा यहाँ का इसका फंक्शन है, और सेम इसी तरह का फंक्शन दूसरे साइड पे, देखिए ये लेफ्ट साइड का है, तो चलिए आपको राइट साइड में दिखाते हैं कि राइट साइड में भी बिल्कुल इसी तरह का फंक्शन है। आइए तो आपको ले चलते हैं राइट साइड में, और देखिए इसका पीछे स्टेपनी दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे इसका स्टेपनी है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये हम राइट साइड में आ गए हैं, और राइट साइड में भी देखिए बिल्कुल उसी तरह का है, सेम सिस्टम राइट साइड में भी है। ये देखिए ये लग गया, और राइट साइड में भी सेम सिस्टम है। देखिए ये हमारा बिल्कुल इंजन बंद होगा, स्टॉप का है, और सबसे पहले हमको इसको इस तरह से दबाना पड़ेगा तो यहाँ लाइट जल जाएगा, उसके बाद से सेम सिस्टम है इसका। देखिए इस तरफ जैसा आपको बताए थे सेम उसी तरह का इस तरफ भी है। देखिए जक इससे हम बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं इससे हम बाहर निकाल सकते हैं और इससे हम अंदर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अगर हम दबा के रखेंगे तो ये बाहर आएगा, और इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये बिल्कुल बंद होगा, और इससे हमारा जक है जो कि देखिए डाउन होगा, और इससे हमारा जक है जो कि ऊपर की ओर आएगा। और सेम इस तरह का देखिए यहाँ पे पीछे वाला है, बिल्कुल देखिए यहाँ पे इस तरह से दबा के रखेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो देखिए बाहर आएगा पीछे का, और इस तरह से दबा के रखेंगे तो देखिए ये बिल्कुल इस तरह से अंदर। तो चलिए अभी आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि किससे क्या होता है, आपको तो बताएं नॉर्मली, अब देखिए चलिए बिल्कुल सीधा सीधा दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ से प्रेस कीजिए इसको, आप प्रेस करने के बाद देखिए आउट ट्रिगर किस तरह से निकलता है, वो आपको पूरा प्रूफ दिखाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से इसको हम अगर दबाते हैं तो इसको दबाएंगे, तो चलिए दिखाते हैं कि आपको किस तरह से निकलता है, बिल्कुल बाय प्रूफ दिखाते हैं ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि झूठ बता रहे हैं। तो देखिए जब तक वो निकल नहीं जाता आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, इसी तरह से आप प्रेस करके रखिएगा ना, तो देखिए जो आउट ट्रिगर है बिल्कुल इस तरह से निकलना चालू हो जाएगा। और देखिए वहाँ पे वो प्रेस करके रखें, और देखिए ये जो हमारे पीछे का आउट ट्रिगर है वो निकल चुका है, और देखिए आपके सामने। अब चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि दूसरा बटन इसका, देखिए अभी तो निकालने के लिए यूज आया था, अब देखिए ये आगे का है, अगर हम इसको इस तरह से निकालते हैं तो देखिए ये हमारा जो आगे का है वो निकलना चालू हो जाएगा। तो इसमें कुछ खास है, देखिए इसका जो आगे का आउट ट्रिगर है ना वो कुछ अलग है। देखिए सबका सीधा सीधा अंदर से निकलता है, लेकिन इसका देखिए बिल्कुल अलग तरह से है, इसका जो दिया हुआ है बिल्कुल, इसको देखिए जो पंप में जिस तरह कंक्रीट पंप में लगा हुआ होता है उसी तरह का इसका जक दिया हुआ है। देखिए ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सेफ है एक तरह से ये जक, और देखिए ये जक बिल्कुल निकल चुका है हमारा, जो आउट ट्रिगर है यह आउट ट्रिगर हमारा निकल चुका है। पीछे का जो हमारा है बिल्कुल बैक सही है जो सब क्रेन में होता है, लेकिन यहाँ का देखिए इस तरह से है। तो देखिए यहाँ से जो ये नीचे वाला, अब हम इस बटन को प्रेस करेंगे ना तो जो नीचे का मेरा आउट ट्रिगर का जो नीचे वाला जक है वो हमारा निकलना चालू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा देख रहे हैं, उस बटन को हम दबा के रखें तो आगे का जो मेरा आउट ट्रिगर का नीचे वाला जक है देखिए वो लगना चालू हो गया हमारा। तो आपका बगल वाला जो बटन है वो दबा के रखेंगे, सेम उसी तरह का दूसरे वाला बटन चलिए आपको सामने से दिखाते हैं। देखिए ये बिल्कुल सामने है, इसको अगर हम दबा के रखेंगे तो जो मेरा पीछे का आउट ट्रिगर का जो बटन है, देखिए पीछे का आउट ट्रिगर का जो उसी बटन से मेरा ये आउट ट्रिगर का जक जो है निकलना देखिए चालू हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल कितना आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग में आप लोगों को रखना होगा, और कोई ज़्यादा भारी नहीं है, यानी कि कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है इसमें, इतना आसान है, बस आपको ख्याल रखना पड़ेगा स्विच का। देखिए उस स्विच से अब हम बंद कर देते हैं और चलते हैं दूसरे साइड पे, सेम एक साइड का तो हमारा निकल गया, आउट ट्रिगर भी निकल गया और नीचे वाला भी हम लगा लिए हैं जो आउट ट्रिगर का नीचे वाला जक होता है। तो चलिए अब की दूसरे साइड पे चलते हैं जो कि हमारा लेफ्ट साइड पे है, और यहाँ पे हम लोगों की लेफ्ट साइड पे ही ड्राइविंग होती है जितने भी गल्फ में है। उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड का आपको निकाल के दिखाते हैं, सेम प्रोसेस है लेफ्ट साइड का भी, लेफ्ट साइड का भी वहाँ से आप बिल्कुल आइए सामने और देखिए यहाँ पे पहले जो वहाँ पे फिंगर वाला हैंड वाला जो दिया है उसको हम प्रेस करेंगे इस तरह से, उसके बाद से देखिए यहाँ पे इस तरह से जो आउट ट्रिगर निकालने का है तो इसको इस तरह से हम बिल्कुल प्रेस करके रखेंगे ना, देखिए इसको, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पीछे का बिल्कुल आउट ट्रिगर है ना वो निकलना चालू हो जाएगा। तो देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए आसानी से हमारा निकल रहा है,
अगर आप तेज जबाएंगे रेस देके तो तेजी से निकलेगा, आप स्लो से निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल स्लो स्लो निकलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना तेज निकालना है कितना फास्ट निकालना है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से आपको निकलना चालू हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा पीछे वाला भी आउटरिगर निकल चुका है, और चलिए अब आपको फिर से सामने ले जाके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से अब दूसरा बटन को हमको छूना है वहाँ का, देखिए इस बटन को हमको दबा के रखेंगे तो जो हमारा आगे का जक है इसका देखिए बिल्कुल जक जो है बिल्कुल अलग डिजाइन का आपको देखने को मिलेगा, और इस तरह से फिर मेरा लेफ्ट साइड का जो आगे का जक है ये हमारा खुलना स्टार्ट हो गया। चलिए आपको इस तरह से दिखाते हैं तब पूरा जक आपको समझ में आएगा। देखिए इस तरह से हमारा जक, देखिए दिखाते हैं आपको आगे से, देखिए इस तरह से हमारा जक निकलना स्टार्ट हो गया, और ये देखिए बिल्कुल निकल रहा है जक हमारा, और इसी तरह से खुलना स्टार्ट हो जाएगा हमारा जो आगे का है, बिल्कुल सेफ है, बहुत ही सेफ है, ये जक भी बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए हमारा पूरा सीधा नहीं होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा क्रॉस में रहता है, ये जो हमारा आउटरिगर है ये क्रॉस में रहता है आगे का जो दोनों दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सेफ है। देखिए ये निकल चुका है, उसके बाद से चलिए फिर से आपको बताते हैं। देखिए ये जो बटन है लास्ट में नीचे वाला जो बटन है उससे हमारा देखिए आउटरिगर निकलेगा, नीचे का जो जक है आउटरिगर का वो निकलना चालू हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से जस्ट दूसरे साइड का देखिए, यहाँ पे दूसरे साइड का हम अगर इसको छुएंगे, देखिए इसको तो इसको छुएंगे तो जो मेरा पीछे का आउटरिगर का जो नीचे का जक है देखिए ये निकलना हमारा चालू हो गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से आपको सारा काम करना होगा, आसानी से एक एक करके आप निकाल सकते हैं एक साइड से। जितने भी बड़े क्रेन होते हैं आप एक चीज़ याद रखिएगा कि उसका जो दो आउटरिगर है वो एक साइड पे एक ही का फंक्शन दिया हुआ था, आपको दूसरे साइड से दूसरे पे आप निकाल सकते हैं जो आउटरिगर है, लेकिन जो नीचे का आउटरिगर का चारों जक है उसको आप एक साइड से ही बंद भी कर सकते हैं और उसको यानी कि ओपन भी कर सकते हैं, यानी कि नीचे की ओर उसको लगा भी सकते हैं और ऊपर की ओर भी कर सकते हैं, तो एक साइड से। अब देखिए यहाँ से लेबल आपको अगर करना है तो देखिए ये मेन से लेबल यानी कि दूसरे साइड का जग का जो नीचे वाला मैंने बताया था, तो एक साइड से ही आप इसको लेबल में कर सकते हैं। देखिए जितना आपको एडजस्ट करना है नीचे ऊपर का जग कौन सा लगता है, लाइट देखिए बिल्कुल बीच में जलने लगा तो समझिए कि हमारा लेबल हो चुका है, लेकिन बिल्कुल एकदम सेंटर में बीच में जलना चाहिए। तो देखिए अब हमारा ये क्रेन देखिए लेबल हो चुका है, यहाँ पे जगह सही था, ज्यादा डाउन नहीं था अप एंड डाउन, जिसके कारण से देखिए ये दोनों उस साइड का है, देखिए एक जो बीच वाला है वो साइड का है और ये ऊपर वाला जो है वो साइड का, इसी तरह से ये वाला और नीचे वाला वो साइड का है और ये ऊपर वाला और ये वाला ये साइड का है, यानी कि आउटरिगर देखिए ये दोनों जग इस तरह से पकड़िएगा तो आपको वो साइड का आएगा और इस तरह से पकड़िएगा तो ये साइड का आएगा, यानी कि दोनों साइड का आउटरिगर का नीचे वाला का है ये, यानी एक जगह से दोनों आप सेट कर सकते हैं और यहाँ से जब सेट हो जाएगा तो बंद कर दीजिए। ये हमारा आउटरिगर अब लग चुका है, तो फाइनली हमारा आउटरिगर लगने के बाद देखिए आपका जो आगे हुक आप लगाए हुए होते हैं रोड पे चलने के लिए, जो जिस पे सपोर्ट से आप फंसाए रहते हैं, दोनों हुक आपको बिल्कुल फ्री करना होगा। अगर फ्री नहीं करेंगे और ऑपरेटिंग केबिन में चढ़ जाएंगे तो अचानक कभी याद नहीं रहा तो ये जो आगे का पूरा हमारा बम्फर है ना, ये देखिए यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पूरा बम्फर है ना यहाँ पर लगा हुआ है ये, इससे क्या होगा ना, पूरा आपका ग्लास भी टूट सकता है अगर ऊपर की ओर जाएगा तो, ये पूरा केबिन खराब हो सकता है अगर ध्यान में नहीं रहा तो सबसे पहले अगर आप आउटरिगर लगा लेते क्रेन में तो आगे का जो बिल्कुल दोनों हुक फंसा हुआ था आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए ऑपरेटिंग केबिन की ओर चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए एक हमारा स्विच है, इसको हम ऑन करेंगे, चाबी के जैसा स्विच है, हाँ, इसको हम ऑन करेंगे, चलिए ऑन कर देंगे और उसके बाद क्रेन को हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा क्रेन, देखिए नीचे का बंद नहीं है, देखिए एक क्रेन हमारा अब स्टार्ट हो गया है, इसको लगभग तकरीबन 40 सेकंड लगेगा कंप्यूटर आना। अच्छा अच्छा ठीक है, उसके बाद जब तक देख लीजिए ये पूरा जो बटन दिख रहा है पूरा, हाँ? ये लाइटों का बटन है। अच्छा, ये अच्छा आगे साइड में जो पूरा बटन है ये लाइटों का बटन है, ठीक है, जो एक चार बटन दिख रहा है ये पूरा लाइट का है जी, और उसके पीछे ये देख लीजिए ये जो फर्स्ट साइड में दिख रहा है ये सीढ़ी छपा हुआ है, हाँ सीढ़ी नहीं केबिन है, ये केबिन अप डाउन, केबिन अप डाउन होगा, चलिए वो भी हम करके बताएंगे अभी, और ये सब वाइपर का है और ये तीनों वाइपर का है, ठीक है, उसका नीचे ये बाईपास का बटन है, ठीक है, और उसके बाद में ये पीछे काउंटर वेट थोड़ा बढ़ाने घटाने का उसका सिस्टम अच्छा, दिया है, अगर उसका रिमोट से नहीं कंट्रोल होता काम करता तो आप यहाँ से बटन से करते, नहीं तो इससे हमसे कुछ करना नहीं है, सब रिमोट से, ठीक है, और ये मैनुअल में जब ही हमारा क्रेन का बूम या कुछ दिक्कत होता है फंस जाता है तो इसको मैनुअल में हम करते हैं, नहीं तो ये सेंटर में बटन ऐसा रखते हैं, इस सेटिंग का छपा हुआ है इसमें, हाँ, छपाना छपा हुआ, ठीक है, वो कटने का है जी, और यहाँ से हम इंजन बंद कर देते हैं, ठीक है, दबाएंगे तो इंजन इधर उसके नीचे
और ये तो बूम का है और रॉप का कोई अलार्म देता है उसको बंद करने के लिए बटन दिया है, ठीक है, करता है। और ये, और ये बाकी बूम निकलने का मैनुअल में सेटिंग का है। अच्छा अच्छा मैनुअल सेटिंग का इतना है। चलिए तो अभी ये हमारा देखिए कंप्यूटर चालू हो गया है जी। आप देख पा रहे होंगे उसके लिए फिर ये जो स्विच है सामने जो दिख रहा है ये क्या स्विच है? ये स्विच है, ये तो हम आगे ऐसा पुश करके पूरा बंद हो जाएगा, पूरा क्लोज हो जाएगा कंप्यूटर, इंजन भी ऑफ हो जाएगा। हाँ, उसके नीचे वाला लेकिन हमको करना नहीं है, इसके नीचे वाला जो है ये कुछ नहीं है, बस ऐसा ही सेटिंग दिया है। इसको मैकेनिकल कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो लोग छेड़ता है, सेट करता है, हमको उसमें कुछ तरीके करना नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, तो अभी हमको बूम ऊपर करना है, ठीक है। यहाँ से हमारा हो गया जी जी जी। तो अभी रुकिए, यानी कि सिंगल बूम निकालना के लिए जी। उसके लिए भी बटन है कोई? नहीं, सिंगल बूम के लिए नहीं, इसमें चार है, चार के हिसाब से ही बूम निकाल सकते हैं। अच्छा, सेटिंग करना रहता है? जी जी, वो सेटिंग करना रहता है कंप्यूटर अच्छा, में। तो यानी कि हमको इसको इस तरह से ऊपर की ओर रखना होगा, इस बटन को हमको ऊपर रखना होगा, रखना होगा और चार में वो हमको फीड करना होगा। और उसके बाद से यहाँ से आप इसको ऐसे अंदर बाहर के नीचे की ओर करके रखेंगे तो बूम निकलेगा, तो निकलेगा। और ठीक है, फंक्शन भी है ऑटो और हाँ, वो देखेंगे। अच्छा चलिए, पीछे करते भी करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, वो मैनुअल में हमको करना रहेगा। जब बाय चांस बूम फंस जाता है तो ये फंक्शन करके हमको उल्टा लीवर लेना पड़ता है। अच्छा, बंद करने के लिए? नहीं तो अगर ऑटो में ही होता है तो सिर्फ ये आगे ही की तरफ में बूम निकलेगा भी और अंदर भी आएगा, सेम फंक्शन। अच्छा, आगे में ही निकलेगा भी और अंदर भी आएगा सीधा। अच्छा, ऑटो में? हाँ हाँ। चलिए तो आपसे एक चीज याद रखिएगा, ये बटन है, ये जो सिस्टम में बटन है ये हमेशा बेंच दोनों छपा हुआ है, ये हमेशा डाउन रहना चाहिए, ठीक है ना? जी जी जी। और इसको हम ऊपर की ओर कर देंगे ऐसे, तो बस जस्ट फंक्शन वही है। अगर हम इसको आगे की ओर करके रखेंगे तो हमारा बूम निकलेगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, अब फिर से इसको हमको दबा के कंटिन्यू रखना पड़ेगा और फिर से हम इसको अगर इसको दूसरे साइड करेंगे, इस साइड करेंगे इस तरह से, तो हमारा बूम उठेगा ऊपर की ओर, हमारा उठेगा, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल उसको देखिए उसी तरह से पकड़ के रखे हैं, उसके बाद से हमारा जो ये बूम है बिल्कुल देखिए सीधा होना चालू हो गया, यानी ऊपर की ओर आना चालू हो गया है। तो इसको हमको बिल्कुल 65 से ऊपर ही लाना पड़ेगा, 70 के करीब में, ताकि हमें फिर से काउंटर वेट लगाना है। तो देखिए जो ये खड़े हैं वहाँ पर काउंटर वेट मेरा रखा पड़ा है, तो इसको बिल्कुल लाएंगे 65 पे लाएंगे या 70 पे लाएंगे, 72 तक भी लाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 65 से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद से देखिए हम इसको स्विंग करेंगे रिमोट के थ्रू पे, और रिमोट से आपको आज काउंटर वेट भी लगा के दिखाते हैं आगे बिल्कुल। तो आप लोग बिल्कुल मेरे वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और चलिए फिर ये बिल्कुल आने दीजिए 65 पे या 70 डिग्री पे, उसके बाद से मैं आप लोगों को स्विंग करके दिखाता हूँ रिमोट से और काउंटर वेट लगा के। तो चलिए बिल्कुल बने रहें वीडियो में आप लोग। और राइट साइड में जो उसका है ना जी जी। और चलिए अभी ये जो बटन लगा हुआ है ये हॉर्न का है। हाँ, ये हॉर्न का है, दूसरे साइड वाला। चलिए अब जस्ट हम इस साइड पे आते हैं, देखिए इसका लेफ्ट साइड में, और इसको अगर हम उसी पोजीशन पे करते हैं जो पोजीशन आप उधर किए हैं, इसको अगर हम इधर इधर करते हैं अपनी ओर तो इधर से हमारा राइट स्विंग होगा, ठीक है। और अगर हम उधर लिए स्विच होगा कोई जी जी, ये बटन तो देखिए, एक मिनट, ये हमारा स्विच है। अगर ये इस तरह से रहेगा तो ये तो इस तरह से, अगर इस तरह से रहेगा जैसे ये तो छोटा हूँ काम करेगा, है ना? इस तरह से दबा के रख, इस तरह से इसको कंटिन्यू रखेंगे इस तरह से दबा के, और इसको हम अगर इस तरह से पीछे करेंगे, ऐसे पीछे की ओर करेंगे पूरा, इस तरह से पीछे की ओर करेंगे तो ये हमारा बड़ा हुक जो है ऊपर की ओर आएगा। तो ये हमारा राइट साइड में जो है उसका है, और है ना। चलिए फिर से हम इसी लीवर को, अगर इस स्विच को इस तरह से दबाइए फिर से, हाँ, इसको दबा के इसको हम नीचे की ओर करते हैं, इस तरह से डाउन करते हैं तो ये बड़ा हुक जो है हमारा नीचे जाएगा, है ना। ये इस तरह दबा के रखेंगे तो बड़ा हुक हमारा नीचे जाएगा। और फिर ये जो लीवर है इसका पूरा फंक्शन धीरे धीरे बताइए कि क्या, हम इस उसको उधर कीजिए, ये लीवर को अगर हम उधर करेंगे, पूरा करके दिखाइए, हाँ, अगर उधर करेंगे तो क्या होगा? अभी हम इधर करेंगे, नीचे इसके ये बटन भी है, ये साथ में दबा के रखना है, ये बटन दिखा दीजिए। हाँ, ये जो बटन ये साथ में दबा के करेंगे तभी कोई फंक्शन काम करेगा इसका। हाँ ठीक है, तो इधर करेंगे तो हमारे साइड में हम करें हैं तो अभी बूम सीधा डाउन होगा, ठीक है, ये बूम हमारा डाउन होगा, ठीक है।
तो देखिए वो राइट वाला जो लीवर है बिल्कुल उसको उस तरह से आप बिल्कुल दबा के रखेंगे जिस तरह से दिखाया गया है वीडियो में, तो उस तरह से अगर आप दबा के रखेंगे तो इसको जो हमारा पूरा बूम है वो बिल्कुल नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिएगा ये स्लो स्लो आ रहा है, तो ये नीचे की ओर बिल्कुल आना चालू हो चुका है। तो कंटिन्यू आप लोगों को उसी तरह से बिल्कुल दबा के रखना पड़ेगा। तो ये पूरा जो हमारा बेसिक बूम है पूरा जितना भी, वो बिल्कुल आप इसको क्लोज कर सकते हैं यानी कि बंद कर सकते हैं। उसके बाद से आप कहीं भी ड्राइव करके आउटरिगर हटा के और इसको आप ले जा सकते हैं। तो इसी तरह से बिल्कुल स्लो स्लो आपको नीचे करना होगा। ऐसे भी बूम स्लो ही डाउन होता है, तेज नहीं होता है, तो आपको धीरे धीरे ही आएगा, चाहे आप रेस दें चाहे ना दें, वो बिल्कुल स्लो डाउन होता है। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल आप इसको डाउन कर सकते हैं और आसानी से इसको इसी तरह से क्लोज कर सकते हैं। और उस लीवर को फिर से अगर दूसरे तरफ करेंगे तो उठना बिल्कुल ऊपर आना चालू हो जाएगा, तो उस लीवर का वही फंक्शन है। चलिए फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। ये सीढ़ी का है, तो चलिए आपको कंप्यूटर बताते हैं। चलिए सबसे पहले तो बूम भरने के लिए बताइए कि बूम किस तरह से भरा जाएगा हमको अगर निकालना हो तो। अभी सबसे पहले देख लीजिए, किसी क्रेन में ये 70 के डिग्री में बूम निकालता है, किसी में 75 की डिग्री में निकालता है, ठीक है, सनी क्रेन 100 टन। हाँ हाँ, अभी हमको इसको 75 की डिग्री में बूम को लेना पड़ेगा। चलिए तो 75 डिग्री लेने के लिए हमको देखिए सबसे पहले इस लीवर को इस तरह से करेंगे और हम बूम को 75 डिग्री पे लेंगे। देखिए इसको हम खड़ा करेंगे बिल्कुल इस तरह से, देखिए स्टैंड करेंगे ऊपर की ओर करेंगे और हमको इसको 75 पे लेना है। तो देखिए ये हमारा अभी 74 पे आ गया और ये 75 पे आ गया हमारा, तो देख पा रहे होंगे ये 75 पे हमारा आ चुका है। देखिए 76 पे आ चुका है, अब ये 75 पे आने में, और ये देखिए हमारा ये 75 पे, अब चलिए एक दो पॉइंट इधर उधर आप रख सकते हैं, ये 75 पे आ गया है। तो चलिए अब हमको बूम भरना है, तो आप इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, आप देख पा रहे ही होंगे यहाँ पे कि देखिए ये हमारा, देखिए ये बंद क्लोज में देखिए 13.3 का है यानी 13.3 का है, और ये देखिए मैक्सिमम 12 टन अभी कैपेसिटी इसका है जो कॉन्ट्रोबेट नहीं लगा है, तो ये अभी 75 पे है। तो चलिए आपको देखते सबसे पहले बूम भरने के लिए बताते कि क्या करना पड़ेगा सर। अभी बारीकी से देखिए इसमें बूम का निशान छपा है, देख लीजिए, और तीसरा नंबर बटन के सामने है यहाँ पे, यानी कि ये लेमिनेशन के वजह से दिखाई नहीं दे रहा है अच्छा से, लेकिन यहाँ पे आप जब क्रेन पे बैठिएगा तो दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए बूम का यहाँ पे निशान छपा हुआ है, जो कि आपको करीब से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, देखिए साफ दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे बूम का निशान छपा हुआ है। ये चाबी का है और देखिए यहाँ पे मीटर है, और सबसे पहले आपको देखिए करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि ये F3 है ना, F3 को हमको इस तरह से दबाना होगा। इसमें टच भी काम करता है लेकिन ये थोड़ा टच इसका गड़बड़ है, इसके हाँ। लिए हम बटन से करेंगे, नहीं तो ये बूम के निशान पे ऐसा टच जैसे मोबाइल चलाते हैं तो ऐसा टच करेंगे तो ये सीधा फंक्शन ओपन होगा, लेकिन लेकिन हम बटन से कर रहे हैं, F3 दबा रहे हैं। तो देखिए बूम का चार्ट आ गया, ये पूरा देखिए हमारा लिस्ट आ गया है, जितना भी अपने मर्जी से हम बूम नहीं निकाल सकते हैं, जो सिस्टम में दिया है चार्ट में उतना ही परसेंटेज के हिसाब से आप इसी में कोई भी बूम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो बूम आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे जो भी बूम सेलेक्ट करना है और जिसमें कैपेसिटी आपको अच्छा दिख रहा है कि देखिए हाँ कौन सा बूम में कैपेसिटी अच्छा है, तो उसको आप सेलेक्ट करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम सेलेक्ट करते हैं एक बूम को, चलिए किसको सेलेक्ट करते हैं, एक नंबर में तो खाली है, अभी हम पांचों बूम को भरते हैं 15 नंबर में। देखिए ये जो हमारा 15 नंबर है, देखिए 46 46 46 46 46, ये पांच बूम का जो है ये देखिए 46 पे हमारा टोटल है 34 मीटर 8, हाँ 34 मीटर 8 है देखिए। और अगर हम इधर आ जाते हैं 29 नंबर अगर भरते हैं तो 100% पे आएगा, 28 नंबर भरते हैं तो देख लीजिए, आपको हम पूरा बता दे रहे हैं इसका डिटेल आपको, देखिए हम बता दे रहे हैं यहाँ से, देखिए स्टार्टिंग अगर 6 पे भरिएगा तो यहाँ पे देखिए 21 पे है, ये देखिए 21.9 मीटर पे है। अगर 10 नंबर है यहाँ पे, 10 पे भरते हैं तो 26 पे निकलेगा बूम, 13 पे भरते हैं तो देखिए 30.5 पे निकलेगा, 15 पे भरते हैं तो 34 मीटर के करीब में निकलेगा, और यहाँ पे अगर देखिए सब में दिया हुआ है सीरियल बाय है, जितना ये सीरियल देखिए, ये पूरा सीरियल देखिए, ये पूरा सीरियल बाय दिया हुआ है। तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चलिए मान लेते हैं कि हम सेलेक्ट करते हैं 24 नंबर पे, यानी 46 92 92 92 और 46, यानी 47.7 पे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं इसको, देखिए सेलेक्ट हम करते हैं इसको, यानी 24 नंबर का सेलेक्ट करते हैं, तो 24 नंबर सेलेक्ट करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, अभी देखिए इसका टच खराब है, नहीं तो इसमें हम उंगली मारते हैं जीरो का जो दिख रहा है, ये हमारा कंप्यूटर आ जाता है उसमें, तो इसमें आप
एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर इसको सेट कर सकते थे, इसको सेट कर सकते, लेकिन अभी नहीं है, बटन से करेंगे एक दो तीन के। तो देखिए अभी देखिए ये ग्रीन हो रहा है, एक नंबर पे गया, दो तीन चार पाँच छह सात, ऐसा पूरा 29 तक जाएगा। ठीक है, अभी पूरा पे जाएगा, जो मर्जी वो उसको सेलेक्ट कर, सेलेक्ट करने के बाद 28 नंबर सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद उस पर ग्रीन करके, अभी अगर टच काम होता तो हम फिर बूम पे ऐसा निशान मारते वो सेलेक्ट हो जाता, लेकिन अभी हमको उसके करने के लिए अभी F3 दबाना पड़ेगा। अभी वो सेलेक्ट हो गया, F3 दबाएंगे ना तो हमारा बिल्कुल सेलेक्ट हो गया। ये देखिए तो हमारा बूम सेलेक्ट हो गया, आप देखिए पांचों बूम हमारा सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ से आप फिर निकालिएगा तो बूम निकलना आपका चालू हो जाएगा। अभी देखिए, लेकिन हमको एक चीज याद रखना है, इसको ये मैनुअल हमेशा रहता है, इसको ऑटो में करना है। अभी तो ऑटो में, करने के लिए अभी हमारे पास यहाँ ये ऑटो लिखा हुआ है, लेकिन टच नहीं काम कर रहा, नहीं तो इसको मारते तो ऑटो का फंक्शन आता। अभी एक नंबर मारेंगे तो एक नंबर मारेंगे, देख लीजिए इसमें मैनुअल आ गया और ऑटो आ गया। अभी हमको ऑटो में करना है तो चेंज करना पड़ेगा मैनुअल को। ये देखिए यहाँ पे एक नंबर से, ये देखिए ऑटो आ गया, अभी ऑटो आ गया, फिर हम F3 को दबाएंगे, F3 को दबा देंगे या F8 को दबा देंगे, हमारा अभी ऑटो में हो गया। और लीवर पकड़ेंगे हम, ये देख लीजिए लीवर पकड़ेंगे आगे साइड, ये बटन दबा के, ये बटन देखिए इस तरह से ऊपर रहेगा, ऐसे ऊपर रहेगा, और उसके बाद से हम इस लीवर पकड़ेंगे, देखिए बूम निकलना, इस लीवर को हम ऐसे पकड़ के रख, देखिए इस लीवर को हम ऐसे आगे की ओर पकड़ के रखेंगे, ऐसे बिल्कुल आगे की ओर, तो हमारा बूम निकलना चालू हो गया। ठीक है, तो देखिए बूम निकलना हमारा बिल्कुल चालू हो जाएगा। ठीक है ना, अब जैसे हम पूरा बूम निकाल लिए हैं, ठीक है, जो हम काम कर रहा है पूरा बूम निकाल के, ये हमारे पास सामने ऑप्शन है, अब हमको अंदर करना है, अंदर करना है, तो फिर हम ऑप्शन F3 को दबाएंगे, और ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये नहीं भी रहेगा तो इसको एक नंबर में लाना है, ओनली एक नंबर। चलिए देखिए बिल्कुल पूरा बूम 00 है, बिल्कुल देखिए 0000 है ना, पूरा एक नंबर पे, तो हमको कहीं भी है आपका, कहीं भी सेटिंग है, कोई सा भी जगह सेटिंग भी है तो आप उसको जीरो पे लाना है, एक नंबर पे। जीरो पे लाने के लिए आप देखिए ये F1 जो है, देखिए इसको इस तरह से दबाइएगा तो बढ़ता जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे पूरा आप देख लीजिए F1 F2 दोनों से, और उसके बाद देखिए ये F2 से देखिए ये वापस आ जाएगा, तो F2 से वापस आ जाएगा, तो हमको यहाँ पे जीरो पे लाना है, और इस बटन को बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे इस तरह से ऊपर ही करना है, और उसके बाद से फिर हम इसको हम फिर सेलेक्ट कर देंगे तो हमको दिखा देगा कंप्यूटर। हाँ देखिए अभी हमको दिखाई देगा, अब F3 से हो गया, लीवर हम फिर सेम उसी पोजीशन में आगे दबाएंगे। हाँ देखिए वो ऑटो में जाएगा, दबाइए उसको इस तरह से ऑटोमेटिक, देखिए इस तरह से दबाएंगे ऐसे, तो हमारा क्या है कि वो अंदर आना लगेगा, अंदर आने लगेगा सिलेंडर। अभी आप एक चीज याद रखिएगा, आप उसी स्विच से अंदर भी ला सकते हैं और उसी स्विच से बाहर ला सकते हैं, बस आपको कंप्यूटर में सेट करना है, जब 00 करके रखिएगा तो आपका अंदर आएगा, और अगर आप सेलेक्ट करके रखते हैं तो उसी लीवर से आपको बाहर आएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा, इसमें बस इतना ही फंक्शन है, काम करना है। चलिए बटन हमको पीछे की तरफ ऐसे रखना पड़ेगा, ये राउंडिंग छपा होगा, देखिए जब हम रिमोट से काम करेंगे ना ये राउंड, तो ये बटन जो है पीछे करके उसके बाद हमको रिमोट का काम करना पड़ेगा, इसको हम पहले पीछे कर देंगे, अगर इस तरह से रहेगा तो नहीं काम नहीं करेगा, काम तो लीवर से, तो लीवर से काम होगा। ठीक है, लेकिन हमको इस तरह करके उसके बाद से हम पीछे जाएंगे और ये रिमोट से हमारा काम होगा, तो उसके बाद से हम इस रिमोट से काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये बटन निकलने का अंदर होने का, और ये देखिए ये बटन है, इसको अगर हम नीचे करेंगे इस तरह से तो देखिए ये सीढ़ी निकलना चालू हो जाएगा। आप देखिए देखिए ये जो है ये चालू हो जाएगा, इसी से अंदर भी होगा ऐसे और इससे बाहर होगा। तो ये तो देखिए ये है हमारा रिमोट जो कि आप बिल्कुल सामने देख रहे होंगे, और इसमें देखिए इतना सारा फंक्शन है जो कि देखिए ये पहले देखिए, हाँ ये देखिए सबसे पहले हमको इसको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए जो हमारा सबसे जो ये रेड वाला बटन है इसको हमको एक बार इस तरह से घुमाना पड़ेगा। देखिए इस तरह से एक बार घुमा दिए, उसके बाद से देखिए काला वाला बटन है इसको हमको ये देखिए यहाँ से इस तरह से रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये रेड वाला जो है ऑन में है, देखिए ये ऑफ का सिस्टम है, ये ऑन है और ये स्टार्ट है, और ये देखिए यहाँ पे ये रेड वाला है, तो स्टार्ट में करने के लिए इसको काला वाला हमको स्टार्ट में करना होगा। ये देखिए अभी स्टार्ट में आया, उसके बाद से ये हमारा देखिए जो सब स्विच है, ये स्विच हमारा स्विंग का है, बता दीजिए उसको, ये स्विंग का है, ये स्विंग का है, इसके बगल वाला भी दूसरे तरफ लेफ्ट स्विंग का है, ये लेफ्ट है राइट है। हाँ, और ये देखिए काउंटर बेट ऊपर का है, ये ऊपर ये काउंटर बेट ऊपर का है, ये नीचे का है उसका बगल वाला जी, और ये है लेफ्ट का नीचे का,
और ये है राइट का, ये काउंटर वेट सेटिंग बढ़ाने हाँ, के लिए सिस्टम दिया है, लेकिन हम लोग इसको करते नहीं हाँ। और ये है देखिए, ये जो दोनों है नीचे फ्लाईजिप का दिया हुआ, ये फ्लाईजिप का, फ्लाईजिप का काम नहीं, फ्लाईजिप का सिस्टम है हाँ, ये फ्लाईजिप लगाने पे यूज होता है हाँ, और ये है मैकेनिकल सिस्टम है, कंप्यूटर कुछ फॉल्ट हुआ काउंटर वेट में तब इसको हम लोग नहीं छेड़ते हैं, छेड़ना है मैकेनिकल छेड़ेगा, और सिलेंडर पीछे आएगा, सिलेंडर अप जाएगा, ये राइट स्विंग है, ये लेफ्ट स्विंग है, ठीक है आप देख सकते हैं, ये देखिए देखिए हम क्रेन पे कोई नहीं है, लेकिन देखिए ये क्रेन हमारा घूम रहा है, देखिए ये दबा के रखे हैं, और देखिए यहाँ पे क्रेन हमारा स्विंग होना चालू हो गया, आप देख पा रहे होंगे, और देखिए ये रिमोट हमारा यहाँ हाथ में है, और देखिए ये क्रेन घूमना हमारा चालू हो गया, आप देख पा रहे होंगे क्रेन हमारा बिल्कुल स्विंग हो रहा है। तो देखिए ये रिमोट है और ऑपरेटर नहीं है केबल में, आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, और ये हमारा रिमोट है, और इसी से देखिए हमारा स्विंग हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे जो हमारी मशीन है, ये देखिए हमारा मशीन जो है ये स्विंग होना चालू हो गया है। तो देखिए अभी हम काउंटर बेल्ट जोड़ने के लिए इस रिमोट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके सहारे से आसान हो जाता है काउंटर बेल्ट जोड़ना। तो देखिए काउंटर बेल्ट हमारा जुड़ने के लिए क्रेन स्विंग हो रहा है, और स्विंग के लिए देखिए इस बटन को हमको कंटिन्यू प्रेस करके रखना पड़ेगा, इस तरह से प्रेस करके रखेंगे और ये मशीन हमारा देखिए घूमता आएगा, और देख पा रहे होंगे ये काउंटर बेल्ट यहाँ हमारा सामने रखा हुआ है जो कि बिल्कुल यहाँ पे है, और ये काउंटर बेल्ट चलिए आपको ऊपर चल के दिखाते हैं कि किस तरह से है इसे। तो देखिए सबसे पहले स्विंग करके इसको बिल्कुल काउंटर बेल्ट के सामने लाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको जो देखिए ये जो हुक दिखाई दे रहा है बिल्कुल छोटा सा निकला हुआ, देखिए ये लॉक जैसा, ये लॉक के सेंटर में लाना पड़ेगा, उसके बाद काउंटर बेल्ट हमें ऊपर करना पड़ेगा, और देखिए ये जो लॉक सामने दिख रहा है आपको, दो लॉक दिख रहा होगा, बिल्कुल इसको सेंटर में लाना होगा थोड़ा सा किनारे, ताकि इस गैप में आके हमारा जो काउंटर बेल्ट है वो बिल्कुल फंस जाए, तो इसमें हमको लॉक करना होगा। तो देखिए ये अभी हाइट है, ये फंस नहीं सकता है, तो इसके लिए हमको काउंटर बेल्ट उठाना पड़ेगा उसी रिमोट से, तो हमको इसी का बिल्कुल थोड़ा सा स्विंग करके हल्का सा तिरछा रखना पड़ेगा ताकि हम काउंटर बेल्ट को उठा सके। तो चलिए आपको काउंटर बेल्ट ऊपर उठा के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल, चलिए नीचे चलते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से काउंटर बेल्ट ऊपर आता है। और देखिए यहाँ पे बिल्कुल इस काउंटर बेल्ट को रखा जाता है अगर कहीं पे आप ड्राइविंग करके जा रहे हैं तो, और देखिए यहाँ से इस तरह जो जक होता है उसके थ्रू इसको काउंटर बेल्ट को उसी रिमोट के थ्रू में देखिए इसको उठाया जाता है, जैसे आपको पहले बताया था कि उसको ऊपर नीचे करने से बिल्कुल स्विंग होता है और काउंटर बेल्ट लगता है। तो देखिए यहाँ से रिमोट को इस तरह से दबा के रखेंगे आप तो यहाँ से काउंटर बेल्ट हमारा उठना चालू हो जाएगा ऊपर की ओर। तो इस तरह से जब बिल्कुल सेंटर में ऊपर की ओर आ जाएगा तो हमें लॉक फंसाने के लिए हल्का सा स्विंग करना पड़ेगा ऊपर में, देख सकते हैं इसको, जब ये पूरी तरह से ऊपर बिल्कुल आ जाएगा काउंटर बेल्ट हमारा, तो उसके बाद से हमें बिल्कुल देखिए वहाँ पे ऊपर की ओर हमें स्विंग करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि वो लॉक में जाके फंस जाए। जब वो लॉक में फंस जाएगा उसके बाद से जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जिसके थ्रू हम काउंटर बेल्ट को ऊपर लेके गए हैं, उसको फिर से डाउन करना पड़ेगा, वरना अगर इसी तरह से स्विंग करेंगे तो ये डैमेज हो सकता है, देखिए ये डैमेज हो जाएगा। तो इसको हमको देखिए इस तरह से बिल्कुल फिर से उसी जगह पर हमको वापस नीचे लाना पड़ेगा और हमारा काउंटर बेल्ट बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो उसके बाद से आप स्विंग कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और काम भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इस तरह से आप बिल्कुल स्विंग कर सकते हैं, और स्विंग का बटन देखिए ये है हमारा, आप देख पा रहे होंगे, तो इस तरह से बिल्कुल स्विंग कर सकते हैं वहाँ पे। अभी कोई है नहीं ऑपरेटिंग केबिन में, फिर भी देखिए हमारा जो क्रेन है वो स्विंग हो रहा है रिमोट के थ्रू से, और आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए बिल्कुल रिमोट मेरे हाथ में है, और देखिए ये इस तरह से स्विंग करेंगे तो ये स्विंग हो जाएगा, देखिए दबा के इस तरह रखें, छोड़ देंगे तो देखिए ये रुक जाएगा, ये रुक गया, फिर से देखिए इसको अगर हम स्विंग करेंगे तो इस तरह से स्विंग हो जाएगा। और आपको जैसे पहले ही बताया था मैंने कि बस इसमें चार फंक्शन हैं, जो आप इसको लेफ्ट राइट स्विंग कर सकते हैं, और जो जक है यानी कि काउंटर बेल्ट उसको ऊपर नीचे उतार सकते हैं, तो इस रिमोट से आप इतना काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल, चलिए अब आपको काउंटर बेल्ट खोल के भी बताते हैं कि किस तरह से इसको खोला जाता है। तो सबसे पहले चलिए सामने दिखाते हैं खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप है, इसी गैप में हमको सेंटर में बिल्कुल इसको लाना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल सेंटर में इस रिमोट के थ्रू देखिए इसको बिल्कुल लेफ्ट या राइट करके जहाँ पे आपको लगता है ये मेरे से ज़्यादा हो जा रहा है,
तेज़ी से घूम जा रहा है, तो इसको बिल्कुल स्लो करके बिल्कुल इसको सेंटर में लाना पड़ेगा। इस तरह से सेंटर में ले आने के बाद, चलिए अब यहाँ पे सेंटर में आ चुका है, तो अब रिमोट को बिल्कुल ऊपर कर देते हैं। और देखिए ये है ना, ये इससे ऊपर की ओर और नीचे की ओर हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको दिखाते हैं, इस तरह से ये सेंटर में है अभी, बिल्कुल सेंटर में देखिएगा, नहीं तो इतना इसका वेट होता है कि ये तोड़ भी सकता है कुछ भी नीचे अगर आ गया तो। तो देखिए इस तरह सेंटर में ला के इसको हम बिल्कुल ऊपर की ओर करेंगे, और जब ये पूरी तरह से ऊपर आ जाएगा इस तरह से, देखिए इस तरह जब ऊपर आ जाएगा तो हमें यहाँ पे लॉक फ्री करना पड़ेगा, जिस लॉक में हम लगा के रखे हैं आप देख पा रहे होंगे। चलिए दिखाते हैं आपको ऊपर, देखिए ये तो लॉक फ्री करने के लिए हमें स्विंग करना पड़ेगा हल्का सा क्रेन को, और वो लॉक फंस जाएगा, और उसके बाद से फिर आप यहाँ पे इस तरह से उतार सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं अभी किस तरह से ये डाउन हो जाएगा बिल्कुल नीचे की ओर, और देखिए ये काउंटर वेट हमारा बिल्कुल, देखिए इस तरह से स्विंग हल्का सा कर दिए ताकि ऊपर जो लॉक फंसा हुआ है वो फ्री हो जाए, और आसानी से हमारा जो ये काउंटर वेट है इस तरह से, देखिए रिमोट के थ्रू इस तरह से आप धीरे धीरे नीचे इसको कर सकते हैं, और ये बिल्कुल देखिए ये फ्री हो जाएगा अभी बिल्कुल, देखिए ये आ गया काउंटर वेट हमारा बिल्कुल नीचे आ चुका है। तो देखिए अभी हमारा काउंटर वेट बिल्कुल नीचे आ चुका है, और ये देखिए हमारा क्रेन भी बिल्कुल फ्री हो चुका है, तो आप क्रेन को स्विंग कर सकते हैं। स्विंग करके अब इसको आसानी से आप बंद कर सकते हैं और कहीं भी आप ले जा सकते हैं। तो देखिए इस रिमोट से आप देखिए इस तरह से बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, देखिए इस तरह से दबाएंगे तो ये हमारा देखिए स्विंग होने लगा, यानी कि राइट साइड हमारा स्विंग होने लगा और इधर से लेफ्ट साइड होगा, और जस्ट जो बटन को हम दबा के रखें, देखिए इसके बिल्कुल नीचे वाला जो है वो काउंटर वेट ऊपर नीचे करने का है। चार बटन, ऊपर का दो बटन स्विंग का है, और रिमोट का नीचे का दो बटन जो है काउंटर वेट ऊपर नीचे करने का है, यानी उसी से आप लगा के एक से खोल सकते हैं और एक से लगा सकते हैं। तो इसमें चार फंक्शन जो कि है मेन है, और दूसरा काउंटर वेट बढ़ाने का है, वो सब मैकेनिकल का काम है, उसको आप छोड़िए। तो ये हमारा फंक्शन था इस क्रेन का, देखिए जो कि बिल्कुल आपको सामने दिखाई दे रहा है। और चलिए अब इसको यहीं से बिल्कुल बंद कर सकते हैं, यानी कि हम स्विंग करके पीछे की ओर ले जा सकते हैं, और अब चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। इसका यही फंक्शन है, बाकी आगे आपको बताते हैं। बूम भरने के लिए बता ही दिए, काउंटर वेट का बता ही दिए, आउट रिगर का आप लोगों को बता ही दिए। तो इतना ही इसका फंक्शन था, जो कि बिल्कुल इस क्रेन का था, 100 टन का सनी क्रेन। हेलो एवरीवन, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जितना से जितना हो सके शेयर आप लोग करें, और साथ में कमेंट जरूर करें। आप लोगों का अगर मन में कोई ख्याल है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और मैं ऑलरेडी यूट्यूब में भी अपना नंबर डाल चुका हूँ। आप लोगों को कोई भी मन में सवाल है इस क्रेन के बारे में या कोई भी क्रेन के बारे में, आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इससे अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के साथ बना के दूँ, और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।